भाई देखे डाइस वाले तो मैं कितने इजीली कर रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ये 10 बार मैंने किए, ठीक है। टाइम बचाने के लिए ना मैंने ना वीडियो लास्ट पे बनाई है। देखिए 15 मरतबा। यहाँ भी आ गया तो अब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये ना खुद ब खुद होता जाएगा। पहले थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाकी ना कोई इशू नहीं है। देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कोई जो है ना फेक वीडियो नहीं है। अगर मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता ना, तब भी आप कह देते कि चलो यार ये तो फेक है। देखें मैंने 15 मरतबा विद इन टाइम कर लिया, ठीक है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ना प्रैक्टिस करें इस पर, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी ज़्यादा आप कर पाएंगे। और जब आप डाइस कैप्चर को सॉल्व करना सीख जाओगे ना, तो फिर आप ना बहुत अच्छे से अर्निंग करोगे। अर्निंग इसकी ना बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस जो है ना वो लाजमी चीज़ है, ठीक है। तो इसे ना बोर मत हो, ठीक है, क्योंकि जब आप काम एक पैशन के साथ करते हो ना, तभी आपको मज़ा आता है। ये मैंने गलत कर दी, ये मैंने गलत कर दी, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। देखिए अब मुझे अंदाज़ा हो गया है, ठीक है, कि मैंने कौन सा सही किया कौन सा गलत, ठीक है। अब अगर मैं 15 इस पर करूँगा ना, तो ये मेरा टाइम वेस्ट करेगा, तो ये ख़ुद ऑफ हो जाएगा। देखिए कैप्चा को स्किप मत करें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्किप कर देते हैं ना, ये स्किप नहीं करना, ठीक है। कैप्चा को सॉल्व करने में के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ना ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए ये कैप्चा भी हो गया आपके सामने ना, मैंने कितने ज़्यादा कैप्चा को सॉल्व कर लिया।